गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 6 ऑफ मेन कोर्स बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ग्रेट सैंड आर्टिस्ट. टुडे वील रीड द रिमेनिंग पार्ट. कल मैं आपको इस चैप्टर का हाफ स्टोरी बताई थी. आज हम लोग बाकी का स्टोरी पढ़ेंगे. और ये चैप्टर हम लोग का पहले भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग आज इसे रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. कल मैं आप लोग को क्या बताई थी, व्हाट आई हैड टोल्ड यू स्टरडे, दैट हाउ विच प्राइज डिड सुदर्शन पटनायक ऑन. सुदर्शन पटनायक को कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा अवार्ड उनको दिया गया था. उनको 2014 में पीपल चॉइस अवार्ड मिला था, और वो भी वर्ल्ड कप में. और उनका क्या काम था, व्हाट वाज हिज वर्क, सेव ट्री सेव द फ्यूचर, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वोटेड फॉर हिम. हजारों लोग उन्हें वोट दिए थे. आर्टिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज टुक पार्ट इन द कंपटीशन, एंड ही वाज द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया. बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे उस वर्ल्ड कप में, और हमारे इंडिया से कौन था, केवल सुदर्शन पटनायक ही थे. आर्टिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज टू पार्ट इन द कंपटीशन एंड ही वाज द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया. हमारे इंडिया से केवल सुदर्शन पटनायक ही एक आर्टिस्ट थे. और उन्हें वर्ल्ड कप में कौन सा अवार्ड मिला था, पीपल चॉइस अवार्ड फॉर हिज वर्क सेव ट्री सेव द फ्यूचर. कल मैं आपको बताई थी कि सुदर्शन ही वॉज बोर्न इन 1977 इन द टाउन ऑफ पुरी इन उड़ीसा. कल मैं बताई थी आपको कि उनका जन्म उड़ीसा में 1977 एक टाउन में हुआ था. क्या नाम था टाउन का, पुरी. सुदर्शन वॉज बोर्न इन 1977 इन द टाउन ऑफ पुरी इन द उड़ीसा. वेन सुदर्शन वॉज वेरी यंग हिज फादर लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट अवे. जब सुदर्शन बहुत छोटे थे तभी सुदर्शन के फादर उनके उन लोग को छोड़ के चले गए थे. लेफ्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली को छोड़ के वो चले गए थे. ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज टू एल्डर ब्रदर्स, हिज मदर एंड ग्रैंड मदर. सुदर्शन पटनायक के फैमिली मेंबर में कौन कौन था, वो एक छोटा सा घर में रहते थे, और उनके फैमिली मेंबर में उनसे दो बड़े भाई लोग थे, उनकी माँ थी और उनकी दादी माँ थी. He lived in a small house with his two elder brothers, his mother and grandmother. By the time he turned 8, he had to leave school due to his family problem. जब वो 8 साल के हो गए तो उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया. क्यों स्कूल छोड़ना पड़ गया, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से. His house was very close to the beach. उनका घर, मैं कल आप लोगों को बताई थी कि समुद्र के किनारे, समुद्र के बहुत पास में उनका घर था. और बीच किसको बोला था, बोला जाता है. कल मैं क्या बताई थी, समुद्र के किनारे, किनारे को, किनारा को बीच बोला जाता है. ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम एट द बीच. जब उनका स्कूल छूट गया फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या करने लगे, अपना ज्यादा से ज्यादा समय बीच पे बिताने लगे. वन डे सुदर्शन सेट एट द बीच वॉचिंग द सी वेव्स. एक दिन सुदर्शन समुद्र किनारे बैठे हुए थे और सी वेव्स को देख रहे थे. सी वेव्स किसको बोलते हैं, समुद्री तरंग को. ही सॉ हाउ द वेव्स केम टू द शोर एंड मेड पैटर्न्स इन द सैंड. क्या देखते हैं कि कैसे वेव आता है किनारे और कैसे अपना कुछ कुछ पैटर्न उस बालू पे बनाकर वापस चला जा रहा है. सुदर्शन लव्ड आर्ट बट ही नेवर हैड एनफ मनी टू बाई पेंसिल्स पेपर एंड पेंट. सुदर्शन को आर्ट करना बहुत पसंद था, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पेंसिल खरीद सके, पेपर खरीद सके या पेंट कर सके. लेकिन समुद्र वेव को देखकर उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है. क्या ब्रिलियंट आइडिया आता है उनके दिमाग में, वो क्या सोचते हैं कि उनका अंगुली ही उनका पेंसिल है, ये समुद्र किनारा जो है उनका पेपर है. ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया. He decided to make the endless seashore his paper. Seashore को क्या, पेपर बनाने के लिए सोचे. His hand would do the work of a pencil. He dug his finger into the wet sand and started making patterns. Slowly he started making sand castles. कल मैं आप लोगों को बताई थी कि सैंड पे इस टाइप का घर,
स्टैचू जो बालू से बनाया जाता है उसको सैंड कैस्टल बोलते हैं। तो धीरे धीरे सुदर्शन क्या करने लगे, बालू से ना स्टैचू बनाना स्टार्ट करने लगे, सैंड कैस्टल्स बनाना स्टार्ट करने लगे। ही लव्ड इट सो मच दैट ही स्पेंड आवर्स डूइंग इट। उन्हें ये काम करना इतना अच्छा लगने लगा कि वो घंटों अपना समय समुद्र किनारे बैठकर सैंड कैस्टल बनाने में टाइम खत्म करने लगे। सुदर्शन स्टार्टेड कमिंग टू द बीच एवरी डे। When Sudarshan turned 10 years old, he had to start working as a domestic worker in his neighborhood. जब सुदर्शन 10 साल के हो गए तो उन्हें कुछ घरेलू काम करना पड़ गया अपने नेबरहुड में। डोमेस्टिक वर्क मतलब कि किसी के यहाँ बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। जो डोमेस्टिक वर्क मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हेल्प अस विथ आवर हाउस होल्ड वर्क। तो वो कहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने लगे, अपने नेबरहुड में। बट दिस कुड नॉट कीप हिम अवे फ्रॉम द बीच। लेकिन क्या डोमेस्टिक वर्क करने से क्या उनका बीच पे जाना बंद हो गया? नहीं, इससे उनका समुद्र पे जाना बंद नहीं हुआ। वो क्या करने लगे, ही स्टार्टेड विजिटिंग द बीच एट डाउन एंड डस्क। मतलब सुबह और शाम को वो बीच पे जाना स्टार्ट कर दिए। बिफोर एंड आफ्टर हिज शिफ्ट हिज सैंड कैस्टल स्लोली ग्रीव इन टू बिगर आर्ट वर्क विथ मेनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट। धीरे धीरे जो बिल्ली से बालू से वो जो छोटा छोटा घर बनाते थे वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो बड़ा कैस्टल्स बनाने लगे, बड़ा बड़ा स्टैचू बनाने लगे वो। पीपल विजिटिंग द बीच स्टार्टेड नोटिसिंग सुदर्शन मेकिंग स्कल्पचर्स आउट ऑफ सैंड। फिर क्या हुआ, लोग बाहर घूमने आते हैं समुद्र किनारे, तो लोग क्या करने लगे, उनके वर्क को नोटिस करने लगे लोग। मेनी इवन स्टॉप्ड बाय टू प्रेज हिम फॉर हिज वर्क। कितने लोग जो आते जाते थे वो लोग रुक जाते थे और उनके उसकी काम का तारीफ करते थे। वन डे अ टूरिस्ट पासिंग बाय सॉ सुदर्शन वर्किंग ऑन अ स्कल्पचर। एक दिन एक टूरिस्ट बाहर से आया हुआ था और सुदर्शन के काम को देखकर वो रुक गया और उन्हें कुछ बताने लगा। द टूरिस्ट टोल्ड हिम दैट द नोज ऑफ द फिगर वॉज वेरी लार्ज एंड लुक एबनॉर्मल। टूरिस्ट क्या बताता है कि जो तुम अभी स्टैचू बनाए हो उसका नाक बहुत बड़ा है और उसके नाक बड़ा से वो एबनॉर्मल टाइप दिख रहा है। सुदर्शन वेंट बैक टू द बीच फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड मेड द फिगर ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल पीपल टोल्ड हिम दैट द नोज वॉज परफेक्ट। फिर क्या हुआ, सुदर्शन बार बार जाकर उस स्टैचू का बार बार नाक ठीक करते जब तक कि लोग वहां के लोग ना बोल मतलब बोलना स्टार्ट कर दिए कि नहीं अब इसका नाक ठीक हो गया, अब इसके नाक को छोड़ दो। सुदर्शन वेंट बैक टू द बीच फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड मेड द फिगर ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल पीपल टोल्ड हिम दैट द नोज वॉज परफेक्ट। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग सुदर्शन ब्यूटिफुल स्कल्पचर। सुदर्शन had been making sand art for more than 30 years now. Sudarshan has been making sand art for more than 30 years. 30 साल से भी ज्यादा वो अभी sand art कर रहे हैं। Has been making sand art for more than 30 years now. He still loves to try new things while working with sand. अभी भी उन्हें नया नया बालू पे स्टैचू बनाना, अभी भी न्यू वर्क करना बहुत पसंद है। He still loves to try new things while working with sand. He sometimes give important messages through his sculptures. Sculptures से वो कुछ important messages भी देते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ pride of India. He sometimes gives important messages through his sculptures. मतलब कि वो अपने स्टैचू से कुछ important messages भी देते हैं। Some of his sculptures show important celebration. सम सो इम्पोर्टेंट पीपल एंड इवेंट्स। क्या हुआ, कुछ कुछ जो उनका स्कल्पचर मतलब बालू का जो स्टैचू होता था उससे कुछ से उनका सेलिब्रेशन फेस्टिवल पता चलता है, किसी इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में पता चलता है, किसी इवेंट के बारे में पता चलता है उनके स्कल्पचर को देखकर। इन 2004 ही क्रिएटेड अ स्कल्पचर अपील फॉर हेल्प फॉर द विक्टिम्स ऑफ द इंडियन ओशन सुनामी। इन 2004 वो एक स्कल्पचर बनाए और उससे उस स्कल्पचर से वो क्या मैसेज देने लगे कि उस विक्टिम को मतलब कि जो इंडियन ओशन में सुनामी आया था उसमें हेल्प करने के लिए। देखो ये वो यही वो फिगर है जिसमें हेल्प द सुनामी विक्टिम्स,
इस फिगर को, इस स्कल्पचर को देखने के बाद ये मैसेज आता है कि जो भी सुनामी में जो पीड़ित हो गए हैं उनकी मदद करना है. ही ऑल्सो क्रिएटेड ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स डेडिकेटेड टू ग्रेट लीडर्स लाइक नेल्सन मंडेला एंड महात्मा गांधी. सुदर्शन ही ऑल्सो क्रिएटेड ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स डेडिकेटेड टू ग्रेट लीडर्स. क्या लीडर्स का क्या नाम है? नेल्सन मंडेला एंड महात्मा गांधी. He has represented India in many international sand sculpting championship and festival. He has represented India in many international sand sculpting championship and festival. He has also won many of those championship. Sudarshan Patnaik ko bahut sare championship bhi jeet. Some of his sculptures have entered the Limca Books of Record. Some of his sculptures have entered the Limca Book of Records. बहुत कुछ स्कल्पचर जो सुदर्शन का था, सुदर्शन पटनायक का है, वो Limca Books of Record में भी उनका नाम रिकॉर्ड है वहां पे. Some of his sculptures have entered the Limca Book of Records. Sudarshan started the Sudarshan Sand Art Institute at Puri Beach to train artists. Sudarshan Sand Art Institute. मतलब कि वो अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर दिए. कहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना खोले हैं वो? पुरी बीच के पास. किस लिए खोले हैं? वो ताकि और आर्टिस्ट को ट्रेन कर सके सैंड आर्ट के लिए. सुदर्शन ही स्टार्टेड द सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट. क्या नाम है उनका इंस्टीट्यूट का? सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट एट पुरी बीच टू ट्रेन आर्टिस्ट. इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वेयर पीपल कैन लर्न सैंड आर्ट. इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वेयर पीपल कैन लर्न सैंड आर्ट. मतलब कि इंडिया में उन्हीं का इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग सैंड आर्ट को सीख सकते हैं. और उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट. और कहां पर है ये? पुरी में है, और वो भी बीच के पास, मतलब कि समुद्र किनारे है. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, द फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, और उनको वो भी अवार्ड मिला. सुदर्शन पटनायक को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन द ईयर 2014 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सैंड आर्ट्स. डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. Tomorrow we'll discuss the question answer of this chapter. As per revision, मैं आप लोग को यह चैप्टर पहले भी पढ़ा चुकी थी. आज मैं रिवीजन के लिए फिर से इस चैप्टर को पढ़ाई हूँ. कल हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू ऑल हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो वर्ड मीनिंग. टिल देन थैंक्स, हैव अ नाइस डे.